आए निकालें अपने अपनी बाइबल को खोलें और अपने अपनी बाइबल को हर व्यक्ति ओपन करेगा जो बाइबल लेकर आए हैं। आप निकालिए दो कुरिन्थियों की किताब, निकाल लीजिए। दस पद को पढ़ें। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दो कुरिन्थियों 9:10 दो कुरिन्थियों 9:10 जी। अत्य जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। बस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए और इस बात को समझेंगे हम लोग। मैंने बहुत अनुग्रह मांगा प्रभु से कि मैं आपके सामने खड़ के इस वचन को बोल पाऊं, क्योंकि जब कलीसियाओं में हम इस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं तो जो पादरी साहब हैं वो निशाने पे आ जाते हैं। और ये वो मुद्दा है जिसके ऊपर कलीसियाओं में बहुत कम बात की जाती है और हमें इसके ऊपर बात करना चाहिए। हमारी बाइबल में ये मेरा नियम नहीं है, ये मेरा रूल नहीं है, ना ही इसको मैंने बनाया। परमेश्वर का अपना सिद्धांत है जो प्रभु ने हमें बताया, और वो सिद्धांत है, बाइबल कहती है कि बोना और काटना एक सिद्धांत है, और ये प्रकृति का नियम भी है और परमेश्वर का नियम भी है, बोना और काटना। ये प्रकृति का नियम है और परमेश्वर का भी नियम है। मैंने देखा कलीसिया में आने के बाद भी कितने लोग गरीबी में हैं, वो लोग कंगाली में हैं, वो लोग समृद्ध नहीं है, उन लोगों के पास आर्थिक तंगी है। मैं पिछले दिनों में एक परिवार को मिला, उस परिवार ने मेरे सामने आंसुओं के साथ अपने प्रार्थना का विषय रखा। उन्होंने कहा कि हमारी दूसरी पीढ़ी आ गई है, हम अपनी दूसरी पीढ़ी में हैं, लेकिन हम लोग कर्जे से छुटकारा नहीं पा रहे। उन्होंने मुझे आंसुओं के साथ बताया कि ये जो कर्ज हम चुका रहे हैं हमारे पुरखाओं का है, हमारा नहीं है, पुरखाओं से कर्ज चला आ रहा है, कर्ज से आजाद नहीं हो पा रहे। मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते बाइबल में से एक नियम बताना चाहता हूं ताकि आप समृद्ध हो सके, फलवंत हो सके। प्रभु, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, बाइबल का खुदा कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आपका हाथ ऐसे हो। ईमानदारी से कहना चाहता हूं, बाइबल का परमेश्वर कभी भी यह नहीं चाहता कि आपका हाथ ऐसे हो। बाइबल का परमेश्वर यह चाहता है आपका हाथ जब भी हो वो ऐसे हो। ये बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं मैं आपको। लेकिन आपको ये रूल समझना पड़ेगा, आपको ये नियम समझना पड़ेगा, आपको ये बात जो परमेश्वर ने सिखाई है इसको समझना पड़ेगा। बाइबल में बोने और काटने का जिक्र है। बाइबल में लिखा दो तो तुम्हें दिया जाएगा, बोगे तो तुम काटोगे। तो बाइबल में बोने और काटने का नियम है। देखिए, मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताता हूं, अगर आप चर्च में एक रुपया भी नहीं देते, दोबारा बोलता हूं और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हटाया ना जाए और पूरी दुनिया के लोग इसको सुने और ऐसे ही सुने जैसे मैं बता रहा हूं। अगर आप कलीसिया में आते हैं और पूरे जीवन आपने एक रुपया भी चर्च में नहीं डाला, आपने बपतिस्मा लिया, आपने पापों से माफी मांगी हुई है, पश्चाताप किया हुआ है और आपने अपने गुनाहों से पश्चाताप किया, आपने तौबा करके बपतिस्मा लिया हुआ है और आप चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप उपवास रखते हैं, आप खराई से वचन के अनुसार जिंदगी जी रहे हैं
और चर्च में आप एक रुपया भी नहीं डालते कभी, पूरी जिंदगी आपने एक पैसा भी कभी चर्च में नहीं डाला, मैं तो भी आपको बता रहा हूं परमेश्वर आपका नाम स्वर्ग से या जीवन की किताब से नहीं काटेगा। उद्धार, सालवेशन टोटली फ्री है। मुक्ति के लिए आपको पैसा नहीं देना। यीशु ने अपने चेलों को कहा था मैंने तुम्हें मुफ्त में दिया, तुमने आगे मुफ्त में देना है। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप में से कोई व्यक्ति एक पैसा भी कभी चर्च ना डाले, बस आत्मिक रीति से उसका जीवन सही हो, तो भी प्रभु आप पैसे के कारण प्रभु आपका नाम स्वर्ग में से काटने वाला नहीं है। पैसे के कारण प्रभु आपको स्वर्ग से कभी वंचित नहीं करेगा। लेकिन जब लेकिन बोलते हैं ना तो यहां पे बहुत कुछ छिपा हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, जो बताना मेरा फर्ज है आपका पादरी होने के कारण, पैसे के कारण आपका नाम स्वर्ग से नहीं कटेगा। मुक्ति मुफ्त है, अनॉइंटिंग फ्री है। आप चाहे अनॉइंटिंग ऑयल ले जाओ चर्च से, चाहे आप अनॉइंटिंग वाटर ले जाओ, चाहे आप चर्च में से अनॉइंट किया कपड़ा ले जाओ, फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं है। अभिषेक को बेचा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, प्रभु अगर आप चर्च में कोई भेंट नहीं देते, दान नहीं देते, टाइथ नहीं देते, ऑफरिंग की थैली में कोई पैसा नहीं डालते, प्रभु कभी भी आपको स्वर्ग से बाहर नहीं निकालेगा। ना ऐसा भी कभी नहीं होगा कि प्रभु आपके पाप ना माफ करे, पक्का आपके पाप माफ होंगे। लेकिन अब लेकिन जहां बोला उसको ध्यान से सुनना, लेकिन ये जो जीवन की यात्रा है ना आपकी, ये आर्थिक तंगी में रहेगी। ये जो जीवन की यात्रा आप कर रहे हैं ना, इसमें आप फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहेंगे, क्योंकि बाइबल का नियम है बो और काटो। कितनों को समझ आई मेरी बात? दोबारा कंफर्म करना चाहता हूं, अगर आप चर्च में ऑफरिंग नहीं देते, आप स्वर्ग में पक्का जाओगे। मैं बोलता हूं जाओगे, पैसे के कारण प्रभु आपको स्वर्ग से बाहर नहीं निकालने वाला। लेकिन ये जो जीवन रूपी यात्रा है ना आपकी, इसमें आप आर्थिक तंगी में रहेंगे, इसमें आप स्ट्रगल में रहेंगे, इसमें आप मुश्किल में रहेंगे, अभाव में रहेंगे। हमने अपना टाइथ, अपनी ऑफरिंग, अपनी लाइफ के जीव, अपनी जिंदगी की आर्थिक समृद्धि के लिए देना है। प्रभु को हमारा पैसा नहीं चाहिए, प्रभु को हमारा पैसा नहीं चाहिए। प्रभु कहते हैं आसमान के पंछी, धरती के जीव जंतु, पहाड़ों पर जितने जानवर हैं, सोना चांदी, प्रभु कहते हैं सब मेरा है। दाऊद ने कहा हे प्रभु हमने तेरे हाथ से पाया और तुझे ही वापिस दे दिया। याद रखना सब कुछ प्रभु का है, हमारे पास तो हमारी सांस भी अपनी नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। लेकिन एक बात, एक रूल आपको बाइबल में से समझ आना चाहिए, बोने और काटने का नियम। आपने बोया नहीं तो आप काटेंगे कैसे? सो मैं तीन जल्दी से बातों को आपको बता के बंद करूंगा। वैसे तो सात ऑफरिंग है बाइबल में, सात ऑफरिंग्स के बारे में मैंने बात करना था, तीन को बता करके जल्दी से बंद करना चाहूंगा, जो मुख्य तीन है उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, सबसे पहले चर्च के अंदर जिस ऑफरिंग के विषय में हम बात करते हैं वो है टाइथ। मलाकी की किताब 3:10। मैं चाहता हूं कि कलीसिया समृद्ध हो, मैं चाहता हूं फाइनेंशियली साउंड हो, मैं चाहता हूं कि आपके पास किसी चीज की कमी ना हो, मैं चाहता हूं कि आप जब इस कलीसिया में आए, जब आप इस कलीसिया का हिस्सा हो, जब आप चर्च जाएं यहां या कहीं भी, मैं चाहता हूं कि आप उस कलीसिया के लिए ब्लेसिंग बन जाएं। बोलिए हालेलुया। याद रखना कभी कभी प्रभु आपको ब्लेस करेगा, लेकिन कभी कभी प्रभु आपको उस लेवल पे लेके जाएगा कि आप किसी के लिए ब्लेसिंग बन जाएंगे। हमने प्रभु में आने के बाद ये वाले स्तर पे रहना है, हमने आशीष पाने वाले नहीं, हमने किसी के लिए आशीष बनने वाले स्तर पे रहना है। जोर से बोलिए हालेलुया। कितनों को समझ आ रहे हैं? आप तो मायूसी हो गए चंदे की बात सुनकर। मत देना, मैंने आपको मांगा नहीं है। आपको पता है हमारी कलीसिया के अंदर 1% जब से चर्च शुरू हुआ हम थैली में चंदा इकट्ठा करते हैं। हम थैली में चंदा नहीं लेते, बड़ी मीटिंग्स होती हैं उसमें मिसमैनेजमेंट ना हो इसलिए हम थैली में चंदा ले लेते हैं, नहीं तो 99% हम बाहर भाइयों को खड़ा करते हैं, बहनों को खड़ा करते हैं, जिसका दिल करे डालो, जिसका दिल करे ना डालो। क्योंकि जब थैली आगे आती है ना तो फिर शर्मिंदगी आती है कि अगर जेब में नहीं है तो फिर हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि डालें क्या।
इसलिए हमने इस चर्च का नियम बनाया था। हम हाँ बड़े क्रुसेड मीटिंग्स के अंदर में करना पड़ता है क्योंकि लोग मिसमैनेज ना हो, लोग ढूंढने ना पाए, परेशान ना हो, ढूंढते मुश्किल में ना आए, नहीं तो हम 99.9% हम बाहर खड़ा करते हैं भाई बहनों को और हम अनाउंस करते हैं जिसने जिसका दिल करे डालो, जिसका दिल करे ना डालो। लेकिन मैं आपको बताता हूं एक बोने और काटने का नियम है हमारी बाइबल में। सो सबसे पहले जो बात बाइबल में हम निकालेंगे मलाकी की किताब 3:10 जल्दी से निकालें। यहां भी मैं कंफर्म कर देता हूं अगर आप दशमांश नहीं देते तो आपका नाम स्वर्ग से नहीं कटने वाला, लेकिन आप अपनी बढ़ोतरी के लिए दे सकते हैं, अपने फलवंत होने के लिए दे सकते हैं। निकालिए मलाकी की किताब 3:10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश प्रभु कहते हैं भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में हाँ जी भोजन वस्तु रहे। हाँ जी। और सेनाओं का यहोवा हाँ जी यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। इंग्लिश में लिखा ब्रिंग द फुल टाइट इनटू द सो हाउस। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है प्रभु कहते हैं कि ब्रिंग द फुल टाइट, प्रभु कहते हैं अपना पूरा दशमांश मेरे घर में लाओ। याद रखना यहां इंग्लिश में ब्रिंग शब्द इस्तेमाल किया गया, अब मेरे से बेहतर अंग्रेजी जानते हैं, गिविंग नहीं है, गिव नहीं है, ब्रिंग है। इसको समझने की कोशिश करें, जो आपकी चीज है वो आप किसी को दे सकते हैं। गिविंग के लिए नहीं बोला, गिव नहीं लिखा यहां पर, देने के लिए नहीं कहा, लाने के लिए बोला है। टाइट आपका है ही नहीं, वो प्रभु का है, इसलिए प्रभु ने कहा लेकर आओ। ब्रिंग लिखा है, गिव नहीं लिखा। अगर ये आपका होता तो प्रभु आपको कहते दो, प्रभु ने कहा लाओ। तो पहली बात ये समझने वाली बात है, टाइट आपका नहीं है। और मलाकी 3:10 में लिखा है प्रभु कहते हैं अपना टाइट ब्रिंग, यानी पूरा टाइट जो तुम्हारे पास है मेरा, उसे मेरे घर में लेकर आओ। प्रभु कहते हैं अगर तुम ऐसा करोगे, अपना टाइट मुझे दोगे, तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा। अद्भुत लिखा है यहां, यहां लिखा है प्रभु कहते हैं सेनाओं का यहोवा यह कहता है। थैंक गॉड प्रभु ने यहां पर अपना नाम लिखवा दिया, नहीं तो सारे पादरी निशाने पर आ जाते। यहां लिखा है सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी बाइबल में मार्क कर लेना, अंडरलाइन कर लेना इसको, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं के नहीं। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम की। इंग्लिश में लिखा है खुदा कहते हैं आई, या एक वर्ड आया है, प्रभु कहते हैं मैं हेवनली विंडोज तुम्हारे खोल दूंगा, स्वर्ग की खिड़कियां तुम्हारे खोल दूंगा, झरोखे तुम्हारे खोल दूंगा। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको, अगली आयत को 11 को गंभीरता से पढ़ें, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन, हाथ उठाकर बोलिए आमीन। आगे देखिए, एक्चुअल में टाइथ है क्या, 5 में कवर करना चाहता हूं। टाइथ किसको कहते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को अदन के बाग में बना के रखा, उन्होंने अन आज्ञाकारिता की और यही पाप की परिभाषा है। आज आप किसी से पूछे पाप किसको कहते हैं, तो कोई कहेगा झूठ बोलना पाप, चुगली करना पाप, गाली निकालना पाप, मां बाप का निरादर करना पाप, कुदृष्टि डालना पाप। मैं कहूंगा ये पाप के फल हैं। पाप की परिभाषा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिन, गुनाह की परिभाषा क्या है, बाइबल कहती है परमेश्वर की आज्ञा ना मानना पाप है, ये पाप की परिभाषा है। प्रभु ने आदम हवा को आज्ञा दी सारे फल खाना, एक फल ना खाना, भले और बुरे के ज्ञान का फल, उन्होंने वही तोड़कर खाया बहकावे में आकर, दुष्ट के यानी शैतान के, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो पापी हो गए। परमेश्वर की आज्ञा ना मानना ये पाप है।
तो परमेश्वर ने आदम को कहा, इस प्रकार से कहा कि तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा, जमीन तेरे लिए पूरी उपज नहीं देगी। एक श्राप आया, जमीन तेरे लिए पूरी उपज नहीं देगी और तेरा कभी पूरा नहीं होगा। आप याद रखना, यह कर्स था, यह एक श्राप था, और प्रभु ने इस श्राप को कलवरी के क्रूस के ऊपर अपना लहू बहा के तोड़ा। जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, इसलिए यीशु के सर पे कांटों का ताज रखा गया, क्योंकि वो वाला श्राप टूटा। इसीलिए प्रभु ने गतसमनी के बाग में लहू बहाया, पसीना जहां से निकलता है वहां से लहू निकलकर बाहर आया। क्यों? अदन के बाग का श्राप गतसमनी के बाग में तोड़ा गया। स्ट्रगल फुल लाइफ, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा, यीशु के लहू के द्वारा वो श्राप टूटा है। लेकिन आप अपनी बढ़ोतरी के लिए अपना टाइप दे सकते हैं। सो श्राप हमारी कमाई के ऊपर था, और तब एक नियम चला, और नियम था अगर एक व्यक्ति 100 रुपया कमाता है तो 100 के 100 के ऊपर श्राप है, लेकिन अगर वो 10 रुपए उसमें से निकालकर अपना टाइट प्रभु के घर में दे देता है तो 90 रुपए पवित्र ठहरे। एक एग्जांपल देना चाहता हूं, आपके पास 10 अंडे हैं, आपके पास 10 अंडे हैं, एक में जहर है, आपके पास 10 अंडे हैं, एक में जहर है, 10 की 10 की भुजिया बना के खाओ, बीमार पड़ जाओगे, डेथ भी हो सकती है, नुकसान हो सकता है। एक अंडा निकाल दो जिसमें जहर था, 9 अच्छे हैं। परमेश्वर ने एक नियम बनाया, 100 रुपया कमाते हो, लिखा नहीं बाइबल में, एग्जांपल दे रहा हूं, 100 रुपया कमाते हो, 1 रुपया 100 रुपया कमाते हो, 10 रुपए खुदा के, 10 कमाते हो, 1 रुपया खुदा का, 10% खुदा को दो, 90 पवित्र हो गए। अब 90 के ऊपर श्राप नहीं है। मैंने अपने जीवन में देखा कभी कभी 100 बिना टाइट का वो काम नहीं कर पाता, लेकिन कभी कभी जब आपने टाइट निकाल दिया 90 वो काम कर देते हैं जो 100 नहीं कर पाएगा। बड़े ध्यान से सुनना, मैं कुछ कहना चाहता हूं, आपका टाइट श्राप का पैसा है, आपका टाइट श्राप का पैसा है। और याद रखना, अगर आपने 100 रुपया कमाया तो 10 रुपए उसमें श्राप के हैं। वो काले रंग का पेंट है, मान लो जहां लगाओगे काला ही करेगा, वो आपके बाकी पैसे को भी विनष्ट करेगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि टाइथ जो है वो श्राप का पैसा है। आप उसे निकालेंगे तो जो 90 बचा वो फलवंतता लेकर आएगा। यहां लिखा है, अगर तुम अपना टाइथ मुझे दोगे मैं स्वर्ग की खिड़कियां खोलूंगा। दूसरा, प्रभु ने कहा मैं उस कीड़े को घुड़कूंगा जो तुम्हारी कमाई को खाता है। तीसरी बात, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। अगर आप अपना टाइथ नहीं देते तो आपकी कमाई के पीछे कीड़ा लगा हुआ है। आपने अपना टाइथ 3,000 रुपया बनता है, आपने खुदा के घर में नहीं दिया, कहीं ना कहीं वो 3,000 निकल जाएगा, कहीं ना कहीं वो 3,000 निकल जाएगा, क्योंकि कीड़ा उसको खा जाएगा। टाइथ जो है, ध्यान से सुनना, वचन के अनुसार आपने अपना श्राप तुड़वाया। और कमाल की बात, पूरी बाइबल में ऐसा लिखा है, खुदा को मत परखो। यीशु मसीह ने अपनी परख के टाइम में इस प्रकार से कहा था शैतान को, वचन में लिखा अपने खुदा को कभी परखना नहीं। लेकिन एक जगह सिर्फ बाइबल में ऐसी है जहां प्रभु ने लिख करके दे दिया, मुझे परख लो। मालूम है कब? प्रभु कहते टाइथ दे के परख के देखो। बोलिए हालेलुया। अब हालेलुया छोटा हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। टाइम कम है इसलिए मुझे स्पीड से चलना पड़ेगा। मेरी तरफ देखिए आप, मैं वो व्यक्ति हूं लुधियाना में जिसने आर्थिक तंगी, पैसे की तंगी को जितना मैंने सहा, यहां कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जितना आप में से किसी ने सहा हो। मेरी वाइफ यहां बैठी है, वो आपको बेहतर बता सकती है। 2006 1 जनवरी को प्रभु ने मुझे बेटा दिया। किसको खुशी नहीं होती बच्चा पैदा होने की? संडे का दिन था उस दिन। आर्च बिशप जोनाथन अंसार साहब प्रभु के उत्तम दास पास्टर अरुण गुप्ता जी के यहां प्रचार करने आए। दोपहर को जब प्रचार करके हटे, शाम को एक और मीटिंग थी, उसके दौरान मेरी वाइफ को ओटी में लेके जा रहे थे, उन्होंने रस्ते में खड़के दुआ करी, मुझे पता चला बेटा हुआ जी। पर हैरानगी की बात बताऊं, बेटे के पैदा होने की मिठाई के पैसे मेरी जेब में नहीं थे कि मैं पब्लिकली चर्च के अंदर मिठाई बांट सकूं। अपनी चर्च में मैं अपने बेटे के पैदा होने की अपनी कलीसिया में मिठाई नहीं बांट पाया। वो मिठाई बांटने के लिए मुझे लोकल अड्डे के अंदर जाकर के, पॉल फर्नीचर है, आज भी मेरा चेक उनके पास पड़ा, गुम हो गया उनसे।
अपना चेक दिया तब 5% ब्याज पे पैसा लिया, बेटा पैदा होने की मिठाई 5% ब्याज पे पैसा लेकर तब मिठाई खरीदी और अपने चर्च में जाके मिठाई बांटी। आप बताओ इससे बड़ा दुखद घटना क्या होगी। इससे बड़ी पेनफुल बात क्या होगी। 5% ब्याज और पूरा एक साल उसका मैंने ब्याज दिया। जब बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है, मेरी वाइफ यहां बैठी है, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे ताना मारा, बेइज्जती करा दी इसने बर्थडे मना करके। मैंने एक बिस्किट, एक टॉफी और एक छोटा केक का टुकड़ा दिया। जब मेरे बच्चे का पहला बर्थडे है, दुनिया पहले बच्चे का बर्थडे कैसा मनाती, 1 जनवरी 2007 यहां से किलो रोड पे जाएं आप, मेरी पत्नी और मैं 50 रुपए का पुराना शर्ट खरीदता था। मेरी पत्नी अपने लिए 50 रुपए 60 रुपए का पुराना स्वेटर खरीदती थी। मेरा जो पहला बच्चा है जिसका नाम रूएल है, हम उसको 10 रुपीज का जो अंग्रेजों के कपड़े विदेश से आते हैं वो स्वेटर लाके पहनाते थे। आज भी वो दुकान है, 10 रुपीज का स्वेटर मिलता है वहां से, पुराने जो विदेशों से कपड़े आते हैं। मैं मेरी पत्नी जाके दुकान से खरीदता था, आज भी वो दुकान है वहां पे, 10 रुपीज का स्वेटर मिलता था वहां से। पर खुदा ने हमारी बल्ले बल्ले थी, क्योंकि फॉरेन के कपड़े होते हैं, होते पुराने हैं। सब हमें कहते थे पादरी साहब तो ब्रांडेड कपड़े पहनता बच्चा, मतलब परमेश्वर ने तब भी इज्जत बना के रखी थी। इससे ज्यादा आर्थिक तंगी क्या होगी। मेरे घर में एक बंदा आके बैठा है, ये बैठी है मेरी वाइफ, अकेले ले जाके पूछ लेना उससे। वो मैंने पूछा भाई चाय पियोगे, कहता पी लूंगा। मैंने पूरा घर छाट मारा, 10 रुपए नहीं थे, मैंने उस बंदे को घर छोड़ करके, इसी जिस जगह पे आप खड़े हो इसके साथ वाली दीवार के ऊपर यहां के बैठ गया। ये पहले दुबी घाट होता था। मेरा एक दोस्त यहां से निकला, मैंने कहा 10 रुपए देना, कहता शर्म नहीं आती तेरे को, तू काम को नहीं करता कोई, कहेगा पादरी तरीके में 10 रुपए नहीं होते, भीख मांगता रहता है। मैं यहीं बैठ के रोता रहा, रो रो के अपने घर गया। तब तक तो वो बंदा चला गया, मेरी वाइफ कहती वो बंदे को घर छोड़ के चले गया। उसको पता चल गया मैं परेशान हूं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। आगे पूछो आपके सामने एक पैकेट का दूध का पैकेट लेने के पैसे नहीं थे। इससे बड़ी आर्थिक तंगी क्या होगी बताओ मुझे, इससे बड़ी आर्थिक तंगी क्या बोलोगे। इसके आगे की स्टोरी मैं बता नहीं सकता, इसके आगे कुछ बता नहीं सकता, इसके आगे भी स्टोरी है, आगे भी स्टोरी है इसकी। सुनो मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको, मैंने बहुत तंगी सही है। हमारा बच्चा पैदा हुआ, मैं मेरी पत्नी के साथ कहीं गया, जिंदगी में पहली बार बच्चा पैदा होने के बाद उसको जूते लेके दिए बढ़िया वाले, शायद 600 रुपए के आएंगे या 500 रुपए के आएंगे, याद नहीं, मेरी वाइफ को पता है 400 रुपए के जूते लेके आए जी। बच्चे को जिंदगी में पहली बार कोई जूते लेके दे रहे हैं जी, अच्छे वाले बढ़िया वाले जूते, जिंदगी में पहली बार बढ़िया वाले जूते लेके दे रहे हैं। जूते लेने चले गए जी, मैं मेरी पत्नी, जूते ले आए जी, बच्चे का बर्थडे, जूते जाते पहना दिए उसको बढ़िया वाले, थोड़ा बड़ा हो गया था वो। अब क्या हुआ जी, हम बाजार में गए, जब वापिस आए देखा बच्चे का जूता ही नहीं है, रेड और ब्राउन कलर का लेदर का जूता था, है ही नहीं है। थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ी, शाम का टाइम, मैंने मेरी वाइफ को बोला जूता नहीं है, टेंशन होगी, बच्चे का जूता गुम हो गया, सर्दियों के दिन शुरू होने वाले हैं। मैंने उसको बोला तू घर पे रुक, मैं अभी आया। कह रही कहाँ जा रहा, मैं कह नहीं नहीं रुक, मैं अभी आया, बस थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही। मैंने सर पे हेलमेट लिया, दोबारा बाइक स्टार्ट किया, जहां हम गए थे फिरोजपुर रोड साइड, मैं दोबारा जा रहा। मैंने फिलगंज में जाते प्रभु को कहा, प्रभु बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, बहुत हो गया प्रभु, मुझे जूता चाहिए, क्योंकि और खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ब्याज का पैसा ही नहीं पूरा होता मेरे से, तो बस प्रभु वो बहुत हो गया। खुदा ने मुझे कहा क्या तू मेरे साथ वफादार है, तू अपना टाइथ नहीं देता ना, तू वफादार नहीं है मेरे साथ, ईमानदार नहीं है। इसी मलाकी 3 में लिखा है तुम चोरी करते हो क्योंकि तुम मेरा टाइथ खा जाते हो। मैं नहीं कहता, बाइबल में लिखा है, अध्याय घर जाके पढ़ना, मैंने पढ़वाया नहीं कि आप गुस्सा हो जाओगे, नेक्स्ट संडे आओगे नहीं, पर बाइबल में लिखा है, उसी अध्याय में लिखा है तुम चोरी करते हो मेरा दशमांश खा जाते हो। प्रभु ने कहा तू गड़बड़ करता है, तू मेरा दशमांश खा जाता है। मैंने फीलगंज में जाते समय प्रभु से बोला देखो ये स्वर्ग सुन रहा है और आप भी सुन रहे हो, मेरे को एक चिन्ह चाहिए, मलाकी 3:10 में लिखा है परखो तो मैं आज आपको परखता हूं, मेरा जूता मुझे वापस दिलाओ, मैं ईमानदारी से टाइट दूंगा। मैं यहां से जगराऊं पुल पे चढ़ा, लाइटें जग चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, बारिश का मौसम हो रखा था, आंधी वाधी चल रही थी, थोड़ी थोड़ी कणियां आ रही थी। जैसे मैं जगराऊं पुल पे चढ़ा, गाड़ियां धड़ाधड़ चल रही है, मैंने दूर से देखा कुछ जमीन के साथ चिपका हुआ है। मैंने सोचा हो सकता है किसी जानवर की पोटी हो, कुत्ते की, बिल्कुल चिपका हुआ है।
मैं थोड़ा नजदीक गया, मैंने ध्यान से देखा, मैंने देखा वो तो मेरे बच्चे का जूता है। इतनी गाड़ियां जगराओं पुल के वहां से क्रॉस हुई, जूता पूरा रोड के साथ फिस चुका था। मैंने बाइक साइड में लगाया, मैंने जूता उठाया, वहीं जमीन के ऊपर घुटने टेक कर साइड में फुटपाथ के ऊपर मैंने कहा, खुदावन मैं बेवफा हूं, तू वफादार है, तू वफादार है। जूता उठा के अपने घर लाया, साफ किया, बाद में बच्चों को पहनाया। वो दिन आज का दिन मैंने कमिटमेंट किया, मैं अपना टाइट नहीं रखूंगा। मेरे घर में आटा हो ना हो, मेरे घर में पैसे हो ना हो, मेरी जेब में एक रुपया भी ना हो, मैं खुदा का टाइट नहीं रखूंगा। वो दिन आज का दिन मैंने कमिटमेंट किया, प्रभु का टाइट प्रभु को देना है। उसके बाद मिनिस्ट्री की ग्रोथ शुरू हुई, और फिर ऐसी ग्रोथ शुरू हुई, ये स्टोरी 2007 की बता रहा हूं मैं, जूते वाली और दूध वाली। और आपको खुशखबरी बताता हूं, 2011 के बाद प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया, 2011 के अंदर जिस लैंड पे आप बैठे हो ये लैंड हमें मिला। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हमने लैंड खरीदा था ये बहुत महंगा था, बहुत महंगा था ये, यहां जमीन खरीदना आसान नहीं था। और कमाल की बात बताऊं, जहां बैठे हो ये चर्च की जगह नहीं थी, चर्च की जगह साथ वाला प्लॉट था, ये दोनों प्लॉट चर्च के थे। तो जब हमने कहा जी हमने आधा लेना है, वो कहते परले वाला ले लो, तीन गली लगती है उसका। मैंने कहा नहीं, वो टेढ़ा है थोड़ा। जो चर्च के मालिक है, बिल्डिंग के मालिक थे, वो बहुत अच्छे दिल के हैं, ब्रदर साजू नाइनन, उन्होंने कहा वो ले लो, तीन गलियां लगती है। मैं कहा नहीं, वो टेढ़ा है, चर्च टेढ़ा बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा चर्च, हमें सीधा सीधा चाहिए। चर्च की जगह वो थी। कुछ सालों के अंदर, जो बंदे के पास दूध का पैकेट लेने के पैसे नहीं, कुछ सालों के अंदर, मात्र 2 या 3 साल के अंदर, प्रभु को धन्यवाद हो, वो 272 गज जमीन ईसा नगरी के न्यू मोरसिंह नगर के अंदर ले रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री करवा रहे हैं। वही जमीन हमारी थी जहां मेरे आंसू निकले थे। बोलिए हालेलुया। मिनिस्ट्री शुरू होने के 1.25 साल के बाद ब्रांड न्यू वैगनार कार निकलवा के लाए, 1 रुपया लोन नहीं था उसके ऊपर, 1 रुपया भी लोन नहीं था, ब्रांड न्यू कार मिनिस्ट्री शुरू होने के 1 साल के बाद। कोई फॉरन से पैसा नहीं आया। ये टाइट के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। और तब से प्रभु ने इस मिनिस्ट्री को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया। आज भी आप जितना टाइथ चर्च में, जितने ऑफरिंग, जितनी भेंट चर्च में देते हैं, उस टोटल ऑफरिंग का 25% निकाल देते हैं हम। मैं ये नहीं बता रहा कि मैं बड़ा दानी हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपका पैसा कहां जाता है, आपको बताना चाहिए। अगर चर्च के अंदर 1 महीने के अंदर 10,000 रुपया आता है, एग्जाम्पल, 1 हफ्ते में अगर चर्च में 10,000 रुपया आया, तो 2,500 रुपया 25% बाहर निकलता है, 10% पादरी साहब को जाता है, 15% अनाथ विधवा गरीबों के लिए निकलता है, नीडी पास्टर्स के लिए निकलता है, दूसरी चर्चेस के लिए निकलता है। कोई चर्च कहीं बन रहा है, हम उस 15% में से उस वो निकाल कर देते हैं। हर महीने जितना आप भेंट देते हैं चर्च के अंदर, आपकी टोटल भेंट का, इस कलीसिया का 25% चर्च में से दूसरी चर्चेस के लिए, 10 टाइथ 15% दूसरी चर्चेस के लिए, अनाथ विधवाओं के लिए निकलता है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, टाइथ ये आपकी कमाई के ऊपर एक कीड़ा है, अगर आप नहीं देते उसको खाएगा और उसको कोई नहीं रोक पाएगा। अब बहुत से लोग ये कहते हैं जी टाइथ पुराने नियम में लिखा है, नए नियम में नहीं लिखा। मैं आपको बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों फरीसियों को कहा था, तुम सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो, दया और धर्म और नेकी को तुमने छोड़ दिया, अच्छा था वो भी करते रहते और इसको भी ना छोड़ते। कौन कहता है प्रभु ने नए नियम में मना किया? प्रभु ने कहा अच्छा था वो भी करते रहते और इसको भी ना छोड़ते। प्रभु ने रिकॉग्नाइज किया, रिकमेंड किया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप आराधना करते हैं, आप भजन गाते हैं, आप उपवास रखते हैं, आपकी आत्मिक उन्नति होगी, लेकिन फाइनेंशियल नियम एक ही है, बो और काटो। नियम एक ही है, बाइबल का नियम है, कुदरत का नियम है, बोंगे तो काटेंगे। कोई जोर से बोले हालेलुया। आप धीरे हो गए जरा, टाइथ के बारे में मत देना, लेकिन जो हालेलुया जोर से बोल दो बस, हालेलुया। सैकड़ों टेस्टमनियां हमारे पास, सैकड़ों हजारों टेस्टमनियां चर्च की, तो अनगिनत हो जाएंगी, प्रभु ने कैसे उठाया जो लोग अपना टाइथ देते थे उन्हें। भाई बलदेव बैठे हैं, हमारी चर्च की सबसे यूनिक टेस्टमनी है, यूनिक टेस्टमनी है, तो कहीं खड़े हो जाएं।
ब्रदर बलदेव सिंह बार पार्क ऊपर है, ब्रदर बलदेव सिंह चर्च में आते हैं, उनकी उनकी वाइफ बंधु खड़े हो जाए, मैं चाहता हूं आप दोनों खड़े हो जाए, भाई बलदेव और बहन बंधु खड़े हो जाए, भाई बलदेव थोड़ा सा आगे आ जाओ, इस व्यक्ति को देखो आप, इस व्यक्ति को देखो बंधु, जब आपने लुधियाना में आके पहली जॉब की थी उसका तनख्वाह कितनी मिली थी आपको? 1300 रुपए में। ये वो लड़की है जिसने लुधियाना में पहली जॉब 1300 रुपए में करी, 1300 रुपए में इसने जॉब करी लुधियाना के अंदर पहली जॉब। पर आपको पता है इन्होंने अभी चर्च को 27,90,000 रुपए की गाड़ी गिफ्ट करी है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एक नहीं करी दो करी है, एक पहले भी गिफ्ट, इन्होंने पहले भी चर्च को गाड़ी गिफ्ट की थी, पहले भी इन्होंने स्विफ्ट कार चर्च को ब्रांड न्यू निकलवा के दी, अभी फिर नई गाड़ी दी है, इनोवा गाड़ी लेके दी है चर्च को। 1300 रुपए पे काम करने वाली लड़की चर्च को 27,90,000 की गाड़ी कैसे देगी? कोई डाका नहीं डालते, कोई चोरी नहीं करते, पीछे बैठे हैं, बोरवेल लगाते थे, बोरों का काम था इनका, अब रेन हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, अपनी कंपनी है, नॉर्थ इंडिया की बेस्ट कंपनी है इनकी, दो कंपनी है मेरे को लगता है शायद तीन होगी, तीन कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इनकी, ये रेन हार्वेस्टिंग का काम करते हैं। पवेलियन मॉल देखा आपने, ग्रैंड वॉक देखा आपने, अपने हीरो साइकिल देखा आपने, जितनी बड़े बड़े यूनिट आप नॉर्थ इंडिया में देख रहे हैं सब जगह इस भाई के यूनिट लगे हैं, अभी सीयू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में काम चल रहा है, सब जगह इनके यूनिट लगे हुए, ईमानदारी मेहनत का काम करते हैं, ईमानदारी से अपना भेंट प्रभु के घर में देते हैं। अगर एक जिसने चर्च में आए थे ना, अजीब सा मोटरसाइकिल था इनका जिसके ऊपर आए थे दोनों पति पत्नी, कितने पैसे थे आपकी पॉकेट में जब पहली बार आप हमें मिले? 20 रुपए थे। और ये मेरा मजाक उड़ा रहे, फास्टिंग प्रेयर में आए किसी को छोड़ने के लिए, और मेरा मजाक उड़ा रहे अपनी पत्नी को, कहते देख छोटा सा बाबा कितना बोले जाता है बैठ के, तब सब प्रार्थना करा रही तो ये भी प्रार्थना कराने आ गए, 20 रुपए में से कितने दिए? 10 रुपए प्रभु के घर में डाले, कहते अपनी पत्नी को कहते रस्ते वापिस भी तो जाना, कुछ हो गया तो 10-20 में से 10 डाल देते हैं, 10 साथ लेके जाते हैं। पहली बार चर्च में आए 20 रुपए पॉकेट में, 10 रुपए रब के घर में डाले, और जब ये 10 रुपए डाले तो मैंने इनके लिए प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा प्रार्थना करवाता है, प्रभु इन्होंने अपनी घटती में से दिया, क्या बोला? प्रभु इन्होंने अपनी घटती में से दिया, इनको बढ़ा देना। जब इन्होंने ये प्रार्थना सुनी अपनी पत्नी को कहना बाबे ची गल बात है, मैंने कहा मैं बाबा नहीं हूं भाई। उस दिन इन्होंने निर्णय लिया कि हम अपना टाइथ के साथ खुदा के साथ, कितना परसेंट देते हैं आप? 20% टोटल अर्निंग का 20% खुदा को देते हैं। जो बंदा चर्च में आया पहली बार जेब में 20 रुपए, और मैं आपको बताता हूं आज ये बंदा आपके सामने खड़ा है, ये 50 साल में नहीं हुआ। पहली बार कौन से साल में चर्च आए थे आप? 2007 में चर्च आए, इसको सैकड़ों साल नहीं लगे, 2000 चर्च में 2007 में चर्च आए, और 2023 चल रहा है। जो बंदा 20 रुपए पॉकेट में लेकर आया वो 27 लाख की चर्च को गाड़ी गिफ्ट कर रहा है। 20% अपना टाइथ, 20% अपना टाइथ प्रभु के घर में देते हैं, 20% देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु ने क्या बोला था मलाकी 3:10 में, अगर तुम अपना टाइथ दोगे तो, थैंक यू जी, अगर तुम अपना टाइथ दोगे तो मैं क्या करूंगा? स्वर्ग के जुरो के खोल दूंगा। सो समझने की बात है, समझने की बात है, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। मैं पहले कहता हूं मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, आप अपना पैसा खुदा को दो। बोने और काटने का नियम बाइबल का है, मेरा नहीं है, ये मैंने नहीं बनाया, ये बाइबल में लिखा है। और यहां यह भी बता देता हूं, टाइथ अगर आप देते हैं इसका आपके पापों की क्षमा से कोई लेन देन नहीं है, स्वर्ग से कोई लेन देन नहीं है। हां इतना है कि जमीन की यात्रा आसान हो जाएगी। कोई बोले हालेलुया, कोई जोर से बोले हालेलुया। सैकड़ों गवाही हैं चर्च के अंदर, एक एक व्यक्ति को खड़ा करूंगा बहुत हो जाएंगी, यही बैठे हैं सबके सब, प्रभु ने उनकी दशा को बदल दिया, दशा को बदल दिया। साइकिल पे आने वाले लोग, इस चर्च के अंदर एक भाई आते हैं उनका नाम है बल्लाज शर्मा, इसी कलीसिया में आते हैं, सेकंड सर्विस में अभी होली कम्युनियन सर्विस की सेवा करेंगे, अभी अभी होली कम्युनियन बंटवाएंगे वो, बल्लाज शर्मा है उसका नाम। जब इस चर्च में पहली बार आया 50 रुपए हमारे चर्च के एल्डर हरमंस मसीह जी से उधार लेकर आया, आप सोचो 50 रुपए ऑटो दे पे जेब चीनी है, 50 रुपए हमारे चर्च के एल्डर से उधारे लेके अपने भाई को लेकर यहां आए।
पहली बार चर्च में ऑटो में अपने भाई को लेकर आए, अपने परिवार को लेकर आए। आज आप देखिए उनको, उन्हें परमेश्वर ने दादा रोड के ऊपर एक बड़ा अच्छी कॉलोनी में मैं देखकर आया, बहुत आलीशान प्लॉट दिया। उनकी मम्मी खड़ी है बलराज की पीछे। भाई का कनाडा का वीजा आ गया। इतना ही नहीं, जो 50 रुपए किसी से मांगकर चर्च आया, ब्रांड न्यू अपनी खुद की कार में चर्च में आते हैं। एक ली थी बेच दी, अब दोबारा ले ली नहीं। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, टाइथ आपको समझना पड़ेगा। प्रभु ने कहा अगर तुम मुझे अपना टाइथ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोलूंगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया। सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों गवाहियां हमारे पास। बोना और काटना, मेरे पीछे बोलो, बोना और काटना परमेश्वर का सिद्धांत है। अब बोगे तो काट लोगे। टाइथ, पहला भेंट है टाइथ, अगली भेंट है बीज। मेरे पीछे बोलो बीज, जोर से बोलो बीज। टाइथ अलग है, बीज अलग है। टाइथ आपकी कमाई के ऊपर से शराब को हटाता है, लेकिन बीज आपकी टेरिटरी को बढ़ाता है, आपकी हद को बढ़ाता है। मान लीजिए आपके पास एक एकड़ जमीन है, एक एकड़ जमीन के ऊपर आपने जो उगाया, एक एकड़ जमीन के ऊपर आपने गेहूं डाली और 50 थैले जमीन के आए या 100 थैले जमीन के आए, एक एकड़ जमीन आपने, एक एकड़ जमीन में गेहूं लगाया, 100 थैले वहां से गेहूं के आए, 100 में से 10 खुदा के हैं, तो जमीन के ऊपर से जो आपकी उपज है, जो आपने कमाया, उसके ऊपर से शराब खत्म हो गया। लेकिन बीज अलग है, बीज आपकी टेरिटरी को बढ़ाता है। टाइथ के बाद आता है बीज। बीज का अर्थ है एक स्पेशल सीड। अगर आप सीड बोते हैं, बीज बोते हैं, तो ये आपका एक एकड़ से कल 2 एकड़ हो जाएगा। बीज आपकी टेरिटरी को खोलता है, आपकी हद को खोलता है, आपकी हदों को खोलता है। टाइथ आपकी उपज के ऊपर से शराब को तोड़ता है। बीज आपकी बाउंड्रीज को इंक्रीज करता है। मैं एक एक आखिरी एग्जांपल देके बंद कर रहा, टाइम हो गया ना, सेकंड सर्विस है, होली के मैंने लिया लास्ट एग्जांपल। हम इसके ऊपर फिर प्रभु ने चाहा तो सीखेंगे, 7 घंटे हैं, इसके ऊपर मनन करेंगे। ओके, बीच मैं अपने घर में था, मेरे एक दोस्त आए, उन्होंने मुझे 25,000 रुपया दिया। बोले पादरी साहब मैं आपके लिए कुछ लेके नहीं आया, कनाडा से आया था, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं अपने दोस्त को भेंट देना चाहता हूँ, ये 25,000 रुपया लो, आपने अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ खुद जाके बाजार में अपने लिए कुछ ले लो। साइज वाइज का चक्कर रहता है बाहर से, आपको आए ना आए, वहां के साइज अलग, यहाँ के साइज अलग, ये पकड़ो पैसे, आप जो अपनी पत्नी के साथ कुछ ले लेना। मैंने मेरी वाइफ को बोला इसको अंदर अलमारी में ना लॉकर में संभाल के रख ले पैसे। मेरी पत्नी ने संभाल के रख लिए। एक दिन सवेरे सवेरे सुबह सुबह सर्दियों के दिन एक पादरी आ गया मेरे पास, मुझे कहता है खुदा ने मुझे आपके पास भेजा। मैं क्या बोलो, बताओ क्या बात है, खुदा ने क्या बोला? कह रहे खुदा ने कहा मैंने कार लेनी है, पहला बीच पहली भेंट पहली ऑफरिंग जाके पास सलीम से ले ले। मैं उसको देख रहा, मैंने कहा मेरे पास तो आप कार नहीं है, क्योंकि मेरी कार मैंने बेच दी थी, कार सेल कर दी थी मैंने, कोई कारण था उसका, मन्नत मान के सेल कर दी थी, खुदा के आगे मन्नत मान ली थी मैंने, प्रभु के भवन के लिए मन्नत मान के मैंने बेच दिया था, कुछ कारण था वो, बीच में बहुत बातें हैं उसके, प्रभु के लिए मन्नत थी, कुछ और मन्नत भी थी, तो मैंने मन्नत मान के कार बेच दी, मेरी अपनी पर्सनल मन्नत भी थी, तो मेरे पास तो आप कार नहीं। मैं तो उसके बाद खुद ऑटो में जाता था, ये बीच की बात है, पहली कार आने के बाद दूसरी कार और पहली कार के बीच की बात है। अब मैं तो सॉरी तीसरी कार की बात है, तो मैं तो खुद बाइक वाइक पे जाता था, एक भाई थे मुझे अपनी कार में ले जाते हैं, मैं उसको देख रहा, मैंने कहा प्रभु ऐसा कर सकते हो आप कि जिसके पास कार नहीं है उसको बोलो कि तू दूसरे की कार के लिए पैसे दे दे? मैंने कहा आप ऐसा कर सकते हो? प्रभु ने मेरे मन में डाला तेरा ये सही जगह, बीज बोने की सही जगह है। बीज को दल के नहीं खाया जा सकता, कुछ लोग बीज को दल के खा जाते हैं। आपके पास 2 एकड़ जमीन है, उसके अंदर डालने वाली गेहूं का बीज आपके पास था, आपने दल के खा लिया, खेत में क्या लेने जाओगे? कुछ भी नहीं। तो प्रभु ने कहा बो दे, मेरा खेत है तू बो दे, कुछ नहीं होता। मैंने मेरी पत्नी को कहा निकाल के ला वो पैसे, मेरी पत्नी गई अच्छी है निकाल के लाई, मेरे हाथ पे रखे, पूछा नहीं क्या करेगा, तो प्रभु का धन्यवाद। मैंने जी पादी साहब को बोला ये कर दो दुआ और पियो चाय और बस चले जाओ, अब दे दिया मैंने, बड़ा दिल करके दिया है, ये खुशी से दिया है, बस ले जाओ आप, ले लो कार जो लेनी है आपने।
मैंने उनके हाथ पे रखा, उन्होंने भी बड़ी दुआ करी क्योंकि बंडल थोड़ा मोटा था ना, बड़ी दुआ करी उन्होंने, हिज हिज के दुआ की, हिज पता नहीं पंजाबी कैसे क्या बोल दिया मैंने, खिच खिच के दुआ करी उन्होंने, मेरे मन के आनंद से उन्होंने बड़ी दुआ करी, बड़ी दुआ करी। चाय वाय पी के वो तो निकल गए। मैंने कहा प्रभु अब, प्रभु कहता वेट कर, मेरा बीच वाला बेटा बेड के ऊपर कोनियां रख के छोटी छोटी कहता है जिस पापा पापा में कार दे दो। मेरी पत्नी कह रही वो दुआ कर रहा है। मैं क्या होगी उसकी दुआ कबूल, चिंता ना कर। मैं इधर से नाले पे जा रहा, घर में बैठा हुआ, सुबह सुबह अपने घर बैठा हुआ, एक भाई का फोन आया, कहाँ हो? मैंने कहा घर पे। अरे मैं आ रहा हूँ। मैं कहा आ जाओ। थोड़ी देर फिर फोन आया कुछ कुछ घंटे बाद, कहाँ हो? मैं कहा घर पे। मैं आ रहा हूँ। मैं कहा आ जाओ। फिर 12 बजे फोन आया, कहाँ हो? मैं कहा घर पे। कह रहे मैं आ रहा हूँ। मैं कहा आ जाओ। कह रहे बस आ गया। तब तक 1 बज गया। डॉक्टर उपदेश होते थे डेंटल कॉलेज में, उनके पापा की, पापा को खुदा ने अपने पास बुला लिया, उनकी मेमोरल एक यादगारी की घर में भी मीटिंग थी, उसके लिए उन्होंने मुझे प्रचार के लिए बुलाया था। मैंने फिर फोन आया, कहाँ हो? मैं क्या अब तो मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, अब बाद में आ जाना आप। कह रहे नहीं जरूरी मिलना है। मैं कहा नहीं भाई मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, अब बाद में आगे मिल लेना। कह रहे बस मैं आ गया। मैं कहा भाई मैंने कह दिया ना मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, वहाँ टाइम पर मीटिंग शुरू होनी है। मैं नाले के ऊपर, मेरे एक भाई थे चर्च के, उनको साथ लेके नाले पर जा रहा, सामने से कार आई बड़ी तेज, ब्रांड न्यू कार, और आकर हमारे ऊपर चढ़ गई होती, मैंने बिल्कुल ऊपर नहीं चढ़ी, बिल्कुल हमारे पास आ गई निकट। मैं एकदम से साइड में हो गया और एकदम से कार हमारे पास से निकली नाले के ऊपर से, मिट्टी मिट्टी उड़ा दी। मैंने मेरे साथ वाले को बोला, मैं कह इसको अक्ल नहीं है बंदे को, मैं कह इसको समझ नहीं है इस बंदे को, कार नहीं चलानी आती, हमारे ऊपर चढ़ा दी होती, कैसी अकल है देख इसकी। इतने में कार का बैक गेट लगाओ पीछे आने लगी। मैंने साथ वाले को कहा भाग ले, इसको कैसे पता चला हमने इसको कहा इसको अकल नहीं है। अब बैग डाल के और तेज आ गया। जब मैंने ध्यान से अंदर देखा तो हमारे चर्च का एक भाई बैठा नीचे उतर के मुझे कहते, चाबी देकर खुदा ने मुझे कहा मैं आपको ब्रांड न्यू कार गिफ्ट करूं, ये पकड़ो, ये बीज है, ये किसने काम किया? 25,000 में कार नहीं खरीद सकते आप, पर मैंने अपनी कार के लिए, किसी की कार को लेने के लिए बीज बो दिया। और देखो आपके सामने हमने 5 साल चलाया उस कार को। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, आपको बीज, बीज आपका कोई काम आप चाहते हैं प्रभु आपके लिए जैसा कुछ करे वैसे भी कर देगा प्रभु, लेकिन एक स्पेशल सीड दे सकते हैं आप उसके लिए, मुझे नहीं प्रभु को। मैंने अपनी कार के लिए बीज बोया, बीज, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आज हम दो ही बातों के ऊपर मनन कर पाए, पहला था टाइथ और दूसरा था बीज। आप अपना बीज बो सकते हैं, इससे आपकी टेरिटरी खुलेगी, स्पेशल सीड प्रभु के लिए लेके आ सकते हैं किसी भी बात को लेकर। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, मेरी गर्दन में दिक्कत हुई, 1,85,000 रुपया सीएमसी के डॉक्टर एसएस गरेवाल साहब ने अपने ऑफिस में बिठा के बोला 1,85,000 लगेगा, तेरी सर्जरी होनी है गर्दन के पीछे दिमाग की, बीमार हो गया था मैं बहुत ज्यादा। डॉक्टर एसएस गरेवाल साहब ने मुझे कहा 1,85,000 लगेगा जी, इससे ज्यादा भी लग सकता है, वो हम देखेंगे, सर्जरी होगी, बड़ी सर्जरी है, मेरे को तकलीफ होगी थी पीछे, कहते पीछे स्टंट वंडन डाल देंगे। मैंने प्रभु से कहा प्रभु बहुत बातें हैं उसके अंदर, बहुत बातें हैं, कई मुद्दों पे प्रभु ने काम किया, उनमें से एक बात ये भी थी। मैंने प्रभु को कहा प्रभु जितना सर्जरी का पैसा लग रहा है ना मैं आप ही के घर में दे दूंगा, आपके गांव में जो सेवा करे ना पादरी उनको बांटाऊंगा जाके, वो तो काम आएगा, मैं पादरियों को बांटाऊंगा पैसा, मेरी सर्जरी ना हो, एक कटवट ना लगे। प्रभु को धन्यवाद मैं आपके सामने खड़ा हूं, डीएमसी सीएमसी ओसवाल हॉस्पिटल कहां कहां की रिपोर्टें मेरे घर पड़ी हैं जिनमें लिखा गया डॉक्टर शिधांगी टैगोर नगर में रहते हैं लिख के दिया तेरी सर्जरी होगी, बुजुर्ग डॉक्टर हैं उन्होंने अपने लेटर पैड में लिख के दिया सर्जरी होगी, कोई हल नहीं है, डॉक्टर शिधांगी ने लिख के दिया, कहां कहां से मुझे लिख के बताया सर्जरी सर्जरी सर्जरी, पीजीआई वालों ने बोला लिख के फाइल में लिख दिया सर्जरी होगी, पर प्रभु का धन्यवाद बाद में प्रभु ने मेरी रिपोर्टें बदल दी, मैं आपके सामने खड़ा हूं, कोई सर्जरी हुई नहीं, हुई नहीं। मैं खड़ा हूं, एसएस गरेवाल साहब ने मेरी फाइल पे लिखा, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर शिधांगी ने टैगोर नगर में मेरी फाइल के ऊपर लिखा, मैं से कहीं डॉक्टर शिधांगी को जानते होंगे, बुजुर्ग डॉक्टर हैं, मेरी फाइल पे लिखा सर्जरी होगी, डीएमसी ने लिखा सर्जरी होगी, कैंसर हॉस्पिटल ने लिखा सर्जरी होगी, अपोलो ने लिखा सर्जरी होगी, मैं आपके सामने खड़ा हूं, पीजीआई ने लिख दिया सर्जरी होगी, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आज तक तो हुई नहीं, मैंने स्पेशल सीड डिक्लेयर कर दिया था, जो सर्जरी है का पैसा वो मेरा सीड है, मेरा बीज है, मैं बीज बो दूंगा चर्चों के अंदर, बस सर्दी रुक जाए। प्रभु ने आपके सामने खड़ा हूं, आपके सामने खड़ा हूं, हेलो, एक भेंट है,
एक टाइथ है और दूसरा बीच, बीच बीच। सो मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता इसके ऊपर, नहीं तो आप अगले संडे आएंगे नहीं, इसलिए मैं चाहूंगा अपनी आंखों को बंद करें। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया, 13 मिनट ऊपर चले गए। जल्दी से आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। आप अपने आंखें बंद करके अपने मन में एक कुछ सोचिए खुदा के लिए, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। आप अपने मन में कुछ सोचिए, आप चाहते हैं कि कुछ खुदा आपके लिए करे, कुछ सोच लो अपने मन में। प्रभु जी मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं इस समय आज इस स्थान के ऊपर आपके बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने आज इस जीवित वचन को सुना। मेरी एक हाथ उठाकर स्वर्ग की ओर एक विनती है, प्रभु जी इस कलीसिया में ऐसे से भाई बहन पाए जाएं आने वाले समय में। मैं आपका दास होने के नाते, पास्टर सलीम आपका दास होने के नाते, पास प्रभु जी स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर आपका बेटा आपसे दुआ करता है, इस कलीसिया में ऐसे से भाई बहनों को तू खड़ा कर, फाइनेंशियली उन्हें इतना साउंड कर दे कि वो चर्च बनाकर पादरियों को गिफ्ट करें। हालेलुया, गांव गांव में जाकर चर्च बनाएं, अपनी फैमिली की तरफ से चर्च बनाएं, पादरियों को बाइक लेके दें, गाड़ियां लेके दें, गरीब बच्चों के बच्चों की नर्सिंग वालों की नर्सिंग कराएं, बच्चों को स्कूलों की फीसें दें। प्रभु जी ने फाइनेंशियली उस स्तर पर ले जाएं ताकि तेरे लोगों की मदद कर पाए, तेरे राज्य के लिए काम कर पाए। इस कलीसिया में ऐसे ऐसे भाई बहनों को खड़ा कर, ये पूरी की पूरी कन्वेंशन स्पॉन्सर करने वाले हो जाए। हालेलुया, ये कलीसिया एक समृद्ध कलीसिया बने प्रभु। हालेलुया प्रभु, आपके वचन में प्रेरितों के काम की किताब में लिखा है पुराने जमाने की कलीसिया ऐसी थी उनमें कोई कंगाल नहीं था। प्रभु आप ये चाहते हैं, बाइबल में लिखा है कि आप स्वर्ग से धरती पर इसलिए आए ताकि प्रभु जी इसलिए धरती पर आकर कंगाल बने ताकि आपके कंगाल बनने से हम धनवान किए जाएं। मैं यीशु के नाम में इस कलीसिया के ऊपर, कलीसिया के ऊपर फाइनेंशियल ब्लेसिंग को डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया प्रभु, यीशु के नाम में कहता हूं अगर इनमें से किसी का पैसा कहीं मर गया तो यीशु के नाम में वो मरा हुआ पैसा यीशु के नाम में इनका जी उठे। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, इनकी कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग रुकी हुई है यीशु के नाम में वो खुल जाए। हालेलुया, इनमें से कोई ऐसा है जो स्पेशल प्रमोशन चाहता है, खास प्रमोशन, या अपने बिजनेस में उन्नति चाहता है, आज के बाद उसकी वो रुकी प्रमोशन यीशु के नाम में खुल जाए। हालेलुया, इस कलीसिया के लोग धनाढ्य हो जाएं, समृद्ध हो जाएं, इसलिए नहीं कि प्रभु ये दुनिया भी आनंद में पैसा गवाएं, इसलिए समृद्ध हो जाएं ताकि इनके पैसे से तेरा राज्य बढ़े और तेरे नाम का महिमा मिले। हालेलुया, एक एक को ब्लेस करें, एक एक को उठाएं, एक एक के ऊपर मैं यीशु के नाम में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स की घोषणा करता हूं। इनके हाथ भरे रहें, इनके खत्ते भरे रहें, यीशु के नाम में इनके लिए नए फाइनेंशियल सोर्सेस खड़े हों। हालेलुया, बाइबल में लिखा है तुम एक ऐसे सोते के समान हो जाओगे, तुम एक ऐसे सोते के समान हो जाओगे जिसका जल कभी सूखता नहीं, तुम एक ऐसी बारी के समान हो जाओगे, एक एक बहता हुआ सोता और एक सींची बारी के समान हो जाओगे जिसका जल कभी सूखता नहीं है। हालेलुया, मैं यीशु के नाम में डिक्लेयर करता हूं हर वो फाइनेंशियल सोर्स इनका जहां से इनके पास पैसा आता है वो यीशु के नाम में ऐसा हो जाए बहता हुआ सोता और सींची बारी के समान हो जाए। हालेलुया, इस कलीसिया में कोई भी कर्जे में ना रहे, मैं यीशु के नाम में खुदा का दास होने के नाते कर्जे की आत्मा को रखता हूं, कलीसिया से बाहर निकले। हालेलुया, इनके घरों को छोड़े, ये समृद्ध होने लगे। खुदावन व्यवस्था 28:12-13 में लिखा है आपने कहा मैं तुझे कर्जा लेने वाला नहीं कर्जा देने वाला बनाऊंगा। हालेलुया, व्यवस्था 28:1 में लिखा है मैं तुझे पृथ्वी की सारी जातियों से अधिक ऊंचा उठा दूंगा। मैं यीशु के नाम में डिक्लेयर करता हूं ये जिन इलाकों में रहे, जिन मोहल्लों में रहे, जिन कॉलोनियों में रहे, जिन जगह पे काम करें, ये वहां समृद्ध होते चले जाएं। हालेलुया, यीशु के नाम में मैंने इन्हें ब्लेस करता हूं, इनके हाथ, इनके खत्ते, इनके खजाने सदा भरे रहे और एक एक आशीष पाए, इनकी कमाई के ऊपर से प्रत्येक श्राप टूटे, सुने के वचन के आगे समर्पण करने के लिए इनकी मदद करें। सारा आदर आपको देते विनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम में मांग के पाते हैं, आमीन।